खाना उस वैन के पास कोई हलचल नजर आई? ठीक है, तुम वहीं वेट करो, मैं बस पहुंचेगा। नहीं नहीं, अभी नहीं, जिम का टाइम हो गया, बाद में मिलता हूँ, बाय। हम समझ गए थे कि वो उस बच्चे को ढूंढने निकला है, इसीलिए तो ये प्लान बना है ताकि उस सिवाय को अच्छा सबक सिखा सके। सबक? अरे उसका वो चमचा है ना खन्ना, वो मच्छी मार कॉलोनी में वैन के पास ही खड़ा है। इसका मतलब यही है कि सिवाय भी थोड़ी देर में जरूर उधर ही पहुंचेगा। अभी बच्चा तो उसको मिलने से रहा, लेकिन अगर सिवाय ने वैन को खोलने का कोशिश भी किया ना, तो उसके खुद के लिए अच्छा नहीं होगा। मच्छी मार कॉलोनी, वैन, शिवाय भैया, बच्चा, ये सब चक्कर क्या है यार? इसका मतलब शिवाय भैया की जान खतरे में है, उनको इन्फॉर्म करता हूँ। फोन उठाओ भैया। शो साहिल को यहीं लेकर आए? खन्ना ने यही लोकेशन बताई है मुझे। किडनैपर्स? अच्छा, लॉन्ग स्टोरी, बाद में तुझे बताता हूँ। वैसे तूने रुद्र को इस बारे में बताया है? नहीं, क्यों? फोन आ रहा था उसका सेकंड लाइन पर, मैंने इग्नोर कर दिया। बाद में बताऊंगा। एक सेकंड। हे रुद्र, नहीं नहीं, फोन मत उठाना, 50 सवाल पूछेगा खामा, पहले ये निपटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं। वो भी फोन नहीं उठा रहा है। ये लोग मुझे इतना हल्के में क्यों लेते हैं? कभी कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। सर, ये स्कूल की सीसीटीवी फुटेज है। सर, ये स्टाइल बाबा का स्कूल बैग। वैन के अंदर चेक है? नो सर, वो लोग वैन यहीं पे छोड़ के गए, क्योंकि वैन इसके आगे जा ही नहीं सकती थी। वो देखिए, आगे पूरा कच्चा रास्ता है। शायद हो सकता है आगे साहिल को पैदल लेके गए। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने साहिल को वैन के अंदर ही बांध के रखा। राइट, चेक करें। हाँ, एक मिनट सर, हो सकता है वैन में कोई खतरा हो, उन लोगों ने हमारे लिए कोई जाल बिछा रखा। आई डोंट केयर खन्ना, साहिल की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए और कुछ नहीं। एक मिनट, अगर आगे खतरा है तो ये खतरा हम साथ उठाएंगे। अरे ओ दामाद जी, घबरा गए क्या? ये तो सिर्फ नमूना था। माना कि तू बहुत तेज है, लेकिन हम ना तेरे से थोड़े से ज्यादा है, इसलिए होशियारी दिखाना बंद करना। देख, अगर तू चाहता है कि तेरे उस साहिल का बाल भी अक्का पक्का ना हो, तो उसको ढूंढना बंद कर और वही कर जो हम देर को बोलते हैं। शिवाय कौन था? किडनैपर।
उसे लगता है कि हम साहिल को ढूंढ नहीं सकते। उसे पता नहीं है शिवाय सिंह ओबेरॉय एक बार चैलेंज ले लेता है करके छोड़ता है। शिवाय ढूंढने के कहां? अगर वैन यहां थी, उसका बैग यहीं गिरा था, उसका मतलब किडनैपर्स उसे यहीं कहीं लेकर गए। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? चलो ढूंढते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले ढूंढूंगा। ओके, तुम दोनों घर जाओ, सो दैट एवरीथिंग अपीयर्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल लगे। ओके, मैं कैसे? भैया हम कहीं नहीं जा रहे, आपको छोड़ के। रुद्र होम, मेरी बात सुनो, घर जा, मैं ढूंढूंगा साहिल को। क्या मैं समझ घर जा। ख्याल रखना। ये रास्ता कहां जाता है? अनिका बेटी, अरे जरा हमारी बात तो सुनना, हमको बहुत जरूरी काम है तेरे से। क्या हुआ माँ, कुछ काम था? हाँ, एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। कैसी प्रॉब्लम? देख, दामाद जी ने तो हमको बोल दिया कि जो भी कमरा इस घर में चाहिए आप रख लो। हाँ, इस घर में इतने सारे और इतने बड़े बड़े कमरे हैं, सर झगड़ा गया, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा कमरा रखे। वैसे ये कमरा भी बुरा नहीं है, इसका सबसे बेस्ट है ये तालाब। कमरे की बच्ची, मैं इसे घर से बाहर निकालने वाली हूँ और ये कमरे पसंद करती फिर रही है। मन तो कर रहा है अभी इस झीपड़ी की सच्चाई सबको बता दो, लेकिन जब तक मेरी बात शिवाय से नहीं हो जाती मुझे इस औरत को छीनना ही पड़ेगा। माँ, इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ, दिखाती हूँ आपको कुछ कमरे। चलिए, चल चल चल। अरे एक बार देखने तो दे, क्या नाना लगा रखा है। इसको बोलते हैं कमरा, सबसे बेस्ट है, इतना बड़ा, इतना शानदार, हम तो यही कमरा लेंगे। नहीं, आपको ये कमरा नहीं मिल सकता, मैंने अभी आपको कहा ना, चलिए। अरे क्यों? अरे दामाद जी तो हमसे बोले कि तेरे को जो कमरा पसंद है वो रख। नहीं, पर शिवाय भी आपको ये कमरा लेने नहीं देंगे, ये साहिल का कमरा है। कौन? वो तेरा भाई? वो क्या इधर तैर के आएगा? देख, तेरा भाई इधर रोज रोज तो आता नहीं है, कभी कभार आता है, और वैसे भी इतना बड़ा, इतना शानदार कमरा एक छोटे बच्चे के वास्ते मतलब वेस्ट है ना। तू ये कमरा हमको दे दे और बिल्कुल। चलिए, ये कमरा साहिल का है और उसी का ही रहेगा, आप यहाँ नहीं रह सकते। चलिए